ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 1369, क्लैरिफाइड ऑन 8 अक्टूबर 2010 एट विशाखापट्टनम। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 29/11/68। ओम शांति। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 29/11/68। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। और समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। And he makes them so intelligent by explaining to them continuously. पढ़ाई भी तो समझ है ना? Knowledge is understanding, isn't it? बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते हैं। The children certainly don't know anything. वो होती है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। That is the physical study and this is the subtle study. ये है आत्मा की पढ़ाई। This is the study of the soul. और वो है देह और देह के पदार्थों की पढ़ाई। And that is the study of the body and the things related to the body. बच्चे जानते हैं कि ये पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकते। The children know no one else can teach this study. बाप ही पढ़ा सकते हैं। इट इज द वन फादर हु कैन टीच इट। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने के लिए। द फादर हैज सर्टेनली कम टू प्यूरिफाई अस एंड टीच अस। और एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ी है। द एम एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो बाप को याद करके बहुत खुश होना चाहिए। सो यू शुड बिकम वेरी हैप्पी बाय रिमेम्बरिंग द फादर। ये भी बच्चे जानते हैं। The children also know. दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। We have to become peaceful day by day. ये शांति की दुनिया है। This is the world of restlessness. शांति तो सबको पसंद है। Everyone does like peace. जो बड़े आदमी होते हैं वो जास्ती नहीं बोलते हैं। The important people don't speak much. और जोर से भी नहीं बोलते हैं। They don't speak loudly either. और तुम तो बहुत बड़े आदमी बनते हो। And you become very important people. और वास्तव में तुमको तो आदमी भी नहीं कहेंगे। In reality, you won't be called a person either. तुम तो देवता बनते हो। In fact, you become deities. जो देवताएं होते हैं उनकी तो भाषा ही इशारे की होती है। The deities speak the language of signs. उनका बोलना बहुत थोड़ा होता है। They speak very little. तुमको भी अभी देवता बनना है। You also have to become deities now. तो टाकी से बदल करके साइलेंस में जाना है। सो यू हैव टू गो इन द स्टेज ऑफ साइलेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ टॉकी। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनको अपने ऊपर अटेंशन है। इट विल बी कंसिडर्ड फॉर द वन हु स्टेज साइलेंट दैट ही पेस अटेंशन टू हिमसेल्फ। जो अशांति में रहते हैं उनके लिए समझा जाता है कि इनका अपने ऊपर ही अटेंशन नहीं है। इट इज कंसिडर्ड फॉर द वंस हु स्टे रेस्टलेस दैट दे डोंट पे अटेंशन टू देमसेल्व्स एट ऑल। तुमको तो शांति धाम में जाना है। यू सर्टेनली हैव टू गो टू द अबोड ऑफ पीस। तो बच्चों का बोलना भी बहुत आस्ते आस्ते होना चाहिए। सो द चिल्ड्रन शुड स्पीक वेरी सॉफ्टली। आहिस्ते बोलते बोलते
आखिरी शांति धाम में चले जाएंगे। स्पीकिंग सॉफ्टली यू विल फाइनली गो टू द अबोड ऑफ पीस। जितना तुम शांति में रहते हो उतना ही संसार में शांति फैलती है। द मोर यू स्टे पीसफुल द मोर पीस स्प्रेड्स इन द वर्ल्ड। तुम्हारे शांति के वाइब्रेशन सारे संसार में फैलते हैं। योर पीसफुल वाइब्रेशंस स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड। तो तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। सो यू शुड स्टे वेरी पीसफुल। आवाज से बात करना तो अच्छा ही नहीं लगता। इट डजंट फील गुड टू स्पीक लाउडली। और क्रोध भी अच्छा नहीं है। And it isn't good to become angry either. ऐसे तो कोई भी बेकार नहीं रहना चाहिए। In general, you shouldn't have any vice. अपन को देखना है कि हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। You have to check yourself. Do I fight and quarrel with anyone? बाप ने समझाया है। Hear no evil बातें। The father has explained, hear no evil talks. ऐसी बातों से किनारा कर देना चाहिए। You should ignore such talks. किनारा कर देंगे तो दोनों का मुख बंद हो जाएगा। If you ignore them, both of you will become silent. हर बात में दैवी गुणों की धारणा करनी है। You have to assimilate divine virtues in all aspects. कोई आवाज करे बोलो शांत हो जाओ। If someone makes noise, tell them, become silent. आवाज मत करो। Don't make noise. सत्युग में कितनी शांति रहती है। There is so much peace in the golden age. मूल वतन में तो है ही शांति। There is just peace in the soul world. वहाँ तो शरीर ही नहीं होता है। There isn't the body there at all. पांच तत्व ही नहीं होते हैं। There aren't the five elements at all. तो फिर बोलेंगे कैसे? Then how will you speak? यहाँ तो इसी दुनिया में आत्मा आती है तो पांच तत्वों को धारण करना पड़ता है। When the soul comes here in this world, it has to take on the five elements. ये पांच तत्व तो जड़ हैं। These five elements are certainly physical. इन जड़ तत्वों के प्रभाव में नहीं आना है। You don't have to come under their influence. शरीर है तो आवाज होता है। When there is the body, there is noise. शरीर ही नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे? When you don't have a body at all, how will you speak? तो शरीर से परे हो जाना चाहिए। So you should go beyond your body. परंतु ये बातें तकदीरवान की समझ में आवेंगी। However, only a fortunate one will understand these things. जिनकी तकदीर फूटी हुई है वो तो इन बातों को समझेंगे ही नहीं। Those who have a wretched fate won't understand them at all. जो फूटी तकदीर वाले होते हैं वो इन बातों को न सुनते हैं न अमल करते हैं। The ones who have a wretched fate neither listen to these things nor bring them in practice. जो अमल करते हैं श्रीमत पर चलते हैं उनकी ही ऊंची तकदीर बनती है। Only those who bring them in practice, who follow the Srimad, have an elevated fortune. अभी बाप मत तो बहुत अच्छी देते हैं। Now the father does give a very good direction. समझाते हैं तुमको कहाँ जाना है। He asks, where do you have to go? जाना है शांति धाम तो शांत में रहना चाहिए। You have to go to the abode of peace, so you should stay peaceful. टाकी से मूवी में आ जाओ। Come into the stage of movie from being in the stage of talkie. तो फिर तुम सब शांत साइलेंस में चले जाएंगे। So all of you will go into the stage of silence. फरिश्ता बन जाएंगे। You will become angels. जो भी मिले
उनको यही पैगाम देते रहो। Whoever you meet, keep giving them this message. ये दुनिया तो जंगली जानवरों की दुनिया है। This world is certainly a world of wild animals. यों ही चिल्लाते रहते हैं। They keep shouting just like that. जानवर कहें, बंदर कहें। Call them animals or monkeys. तो जितना साइलेंस में रहेंगे उतना ही समझेंगे ये योग की धुन में रहते हैं। The more you stay in silence, the more people will think you stay engrossed in yoga. तो शांति का स्वभाव अच्छा है ना? So it is good to have a peaceful nature, isn't it? जो शांति के स्वभाव वाले होते हैं वो कितने मीठे लगते हैं। Those who have a peaceful nature appear to be very sweet. और तुमको तो जाना ही है शांति धाम। And you have to definitely go to the abode of peace. जानते हो योग बल से हमको पवित्र बनना है। You know, we have to become pure through योग बल। इस बात में माया भी बहुत अपोजिशन करती है। माया also opposes you strongly in this subject. कितना वार करती है। She attacks a lot. माया बलवान से ही लड़ती है। माया fights only the strong ones. तो माया बलवान है। So माया is strong. ये माया कितना गुप्त दुश्मन है। This Maya is such a hidden enemy. बड़ा भारी दुश्मन है। She is a very powerful enemy. बच्चों को फीलिंग आती है बरोबर हमारे ऊपर माया का वार होता है। Children have the feeling, we truly suffer the attack of Maya. ये पांच भूत है ना? These are the five ghosts, aren't they? और देह अभिमान का भूत तो सबसे कड़ा भूत है। And the ghost of body consciousness is the toughest ghost. जिनको देह अभिमान का भूत होता है वो कितना जोर से बोलते हैं। Those who have the ghost of body consciousness speak so loudly. अहंकार से बोलते हैं। They speak egotistically. अभी मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। Now the human beings have a completely stone-like intellect. तुमको भी अभी बात समझाते हैं तो फीलिंग आती है बरोबर हम पार्श बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए। Now the father also explains to you. So you have this feeling. We have truly become the ones with a Paras-like intellect from the ones with a stone-like intellect. अभी फिर बाप आए हैं हमको पारस बुद्धि बनाने के लिए। Now the father has come again to make us the ones with a Paras-like intellect. ये भी जानते हो ये कोई शास्त्रों की नॉलेज नहीं है। You know this too. This isn't the knowledge of the scriptures. ऐसे भी नहीं ये कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है। It isn't that he has read the scriptures. बल ये गीता पढ़ते थे। Though he used to read the Gita. परंतु अभी तो जानते हैं कि शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं है। He knows this now. There isn't anything in the scriptures at all. वो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। Those are the scriptures of the path of bhakti. परंतु इन शास्त्रों का ड्रामा का चक्कर भी फिरना है। However, the period of these scriptures has to rotate in the cycle of the drama. टाइम पास होता जाता है। The time keeps passing. कहानियां बनाते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो। They make stories, writing long long ago. क्या क्या हुआ? This and that happened. बाप बच्चों को मीठी मीठी कहानियां बैठ सुनाते हैं। The father sits and narrates very sweet stories to the children. थोड़ी सी बेहद की कहानी है। This is a short, unlimited story. समझाते हैं। 5-4 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। He explains there was the kingdom of these Lakshmi and Narayan 5000 years ago. परंतु ये बातें कब कोई सन्यासी आदि नहीं बतावेंगे। But no sannyasi etc. will ever tell you about these concepts. क्योंकि वो तो जानते ही नहीं हैं। It is because
दे डोंट नो देम एट ऑल। ये नई दुनिया की कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड जो तुमको सुनाई जाती है। विच इज नरेटेड टू यू। और ये शास्त्रों के विरुद्ध है। इन एडिशन इट इज अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों में तो लिख दिया ठीक कर भीतर में परमात्मा। इट वॉज सर्टनली मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स द सुप्रीम सोल इज प्रेजेंट इन थिक्कर एंड भीतर। ऐसे ही जंगली जानवरों में सब भगते रहते। दे कीप ब्लैबरिंग लाइक वाइल्ड एनिमल्स। रात दिन का फर्क हो गया। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस लाइक बिटवीन डे एंड नाइट। ज्ञान और अज्ञान रात दिन का फर्क है ना। There is a vast difference like between day and night, between knowledge and bhakti, isn't there? Bhakti agyan ko kaha jata hai. Ignorance is called bhakti. Gyan ka sagar to ek hi baap hai. There is only one father who is the ocean of knowledge. Usne hi gyan suna karke purani srishti ko paltaya hai. He alone has transformed the old world by narrating the knowledge. Ye andar mein baat chalni chahiye. कि बाप नया ज्ञान सुना करके नई दुनिया बनाते हैं। यू शुड थिंक विद इन द फादर क्रिएट्स द न्यू वर्ल्ड आफ्टर नरेटिंग द न्यू नॉलेज। बाप को याद करने से ही बेड़ा पार हो जाता है। योर बोट गोज अक्रॉस ओनली बाय रिमेम्बरिंग द फादर। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि को याद करने से बेड़ा पार होगा। इट इजंट दैट यू विल गो अक्रॉस बाय रिमेम्बरिंग अ सेज सेंट एटसेट्रा। वो तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। Those poor ones don't know anything at all. तो बाप को उन पर भी तरस पड़ता है। So the father feels pity for them too. बाप को कहा ही जाता है रहम दिल। The father is certainly called the one with a merciful heart. कितना अच्छी रीति तुम बच्चों को पढ़ाते। He teaches you children so well. कहते हैं कल्प कल्प अनेक बार तुमको पढ़ा करके गया। He says, I have taught you repeatedly in every cycle before going back. बाप जो है और जैसा है वैसा बिल्कुल थोड़े लोग जानते हैं। Very few people recognize who the father is and the way he is. बिरला ही कोई जानता है। Very rare ones know him. और बाप भी ये बतलाते हैं कि मैं इनका आधार लेता हूँ। The father also tells you, I take the support of these ones. मैं आता हूँ पत्थर बुद्धि को पार्स बुद्धि बनाने के लिए। I come to transform the one with a stone-like intellect into the one with a Paras-like intellect. सभी पत्थर बुद्धि हैं। All are the ones with a stone-like intellect. पत्थर बुद्धि हैं। तो चित्रों को देख करके समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। दे आर द वंस विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट सो दे डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पिक्चर्स आफ्टर लुकिंग एट देम। 29/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। सेकंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 29/11/68। ब्रह्मा को देख करके ही कितना नाराज हो जाते हैं। They become so upset just seeing Brahma. उनसे बोलना चाहिए कि ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती है। You should tell them, Brahma isn't even worshipped. मंदिर भी नहीं बनते हैं, मूर्तियाँ भी नहीं बनती हैं। His temples and idols aren't built either. हम कोई ब्रह्मा को भगवान नहीं मानते। We don't consider Brahma as God. ब्रह्मा तो देवता भी नहीं है। ब्रह्मा isn't even a deity. देवताओं को दाढ़ी मूछ होती है क्या? Do the deities have a beard and mustache? बोलो, भगवान तो निराकार है। Say, God is certainly incorporeal. जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले होते हैं। All the religious fathers who come in the world are the ones with an incorporeal stage. तब तो आकर के नंबरवार धर्म की स्थापना करते हैं। This is why they come and establish the religions नंबरवार। ये तो बापों का बाप है। He is the father of the fathers. जो बिल्कुल निराकार है।
द वन हु इज टोटली इनकॉर्पोरियल। ये तो बहुत जन्मों के अंत में पिछाड़ी में आकर के खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ मेनी बर्थ्स। अभी फिर सभी पारस बुद्धि बन रही है। नाउ एवरीवन इज बिकमिंग द वन विद अ पारस लाइक इंटेलेक्ट अगेन। तुम बच्चों के सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। द एम एंड ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन। तो ये ज्ञान है ही बहुत शांति का। सो दिस नॉलेज इज अबाउट पीस इटसेल्फ। इसमें कोई वेद शास्त्र आदि पढ़ने का नहीं है। देयर इजंट एनी नीड टू रीड द वेदास और द स्क्रिप्चर्स इन इट। कोई संस्कृत के श्लोक गाने का नहीं है। देयर इज नो नीड टू सिंग एनी संस्कृत श्लोक्स। और सतयुग में तो न भक्ति है न ज्ञान होता है। एंड देयर इज नीदर भक्ति नॉर नॉलेज इन द गोल्डन एज। वहाँ तो सुख ही सुख है। देयर इज ओनली हैप्पीनेस देयर। कहेंगे ज्ञान की प्रारब्ध है। इट विल बी सेड देयर इज द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज देयर। वहाँ न संगम युगी ज्ञान रहता है। देयर इज इन द कॉन्फ्लुएंस एज नॉलेज देयर ईदर। तुमको वर्षा मिल जाता है सुख शांति का वर्षा, तो ज्ञान का क्या करेंगे? यू रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस, देन व्हाट विल यू डू विद द नॉलेज? वहाँ तो तुम फिर बहुत अच्छी रीत राजी करते हो। यू रूल वेरी वेल देयर। तुम्हारे धर्म में बहुत ताकत रहती है। देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन योर रिलीजन। ऐसी ताकत होती है जो कोई भी लश्कर आदि रखने की दरकार नहीं। देयर इज सच पावर दैट यू नीडंट कीप एन आर्मी एटसेट्रा। क्योंकि वहाँ तो कोई खून खराबा होता भी नहीं। इट इज बिकॉज देयर इजंट एनी काइंड ऑफ ब्लडशेड देयर ईदर। कोई बारूद आदि की बात नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अम्युनिशन एटसेट्रा। कोई डर की बात भी नहीं है। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फियर ईदर। और यहाँ तो देखो कितना डर रहता है। On the contrary, look, there is so much fear here. राजाओं का भी drama अनुसार देखो क्या हाल हुआ है। Look, what the condition of even the kings has become like according to the drama. अभी तुम समझते हो हम ही सो पूज्य थे, हम ही सो पावन थे। Now you understand, we ourselves were worship worthy and we ourselves were pure. फिर हम पतित पुजारी बने। Then we became sinful worshippers. तो जो भी मिले उनको ये बातें समझानी चाहिए। So whoever you meet, you should explain these points to them. अभी आत्माओं के बाप को याद करो। Now remember the father of the souls. मौत सामने खड़ी है। Death is standing ahead. अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। Now this old world has to be transformed. ये सभी देह खलास हो जाने वाले हैं। ऑल दीज बॉडीज आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। न देह रहेगी, न देह के पदार्थ रहेंगे और न देह के कोई संबंधी रहेंगे। नीदर द बॉडी नॉर द थिंग्स रिलेटेड टू द बॉडी विल बी लेफ्ट। द बॉडीली रिलेशनशिप्स वोंट बी लेफ्ट ईदर। ऐसी बातें सुनाते रहेंगे तो कुछ न कुछ असर पड़ेगा। If you keep narrating these kinds of points, they will have some impact on them. तुम पैगंबर हो। You are messengers. बोलो, हम भगवान बाप का पैगाम लेकर के आए हैं। Tell them, we have brought the message of God the Father. तो सभी के ऊपर तुम्हारी मेहर होनी चाहिए। So you should have mercy on everyone. मेहर करने वाले बाप की याद में बड़े शांत रहते हैं। Those who show mercy on others are engaged in the remembrance of the father and stay very silent. सिर्फ पैगाम देना है। You just have to give the message. वेद के बाप को याद करो तो बेहद की सुख शांति मिल जाएगी। Remember the unlimited father, then you will receive the unlimited happiness and peace. लौकिक बाप के पास तो बहुत धन होता है। The Laukik father has a lot of wealth. तो समझते हैं हमको बहुत वर्षा मिलेगा।
सो द चिल्ड्रन थिंक वी विल रिसीव अ ग्रेट इनहेरिटेंस। और बेहद के बाप के पास तो है विश्व की बादशाही। एंड द अनलिमिटेड फादर हैज द एम्पायरशिप ऑफ द वर्ल्ड। इससे जास्ती वर्षा तो कोई दे ही नहीं सकता। नो वन कैन गिव मोर इनहेरिटेंस देन हिम। और हर 5-4 वर्ष के बाद विश्व की बादशाही देते हैं। इन फैक्ट ही गिव्स द एम्पायरशिप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एवरी 5,000 ईयर्स। तो बच्चों में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। सो द चिल्ड्रन शुड बी वेरी रॉयल। फालतू बोलने से तो न बोलना अच्छा है। इट इज बेटर नॉट टू स्पीक देन स्पीकिंग वेस्टफुली। बहुत शांति से काम करना पड़ता है। यू शुड वर्क वेरी साइलेंटली। बच्चों को बहुत मीठा होकर के चलना है। द चिल्ड्रन शुड बिहेव वेरी स्वीटली। ज्ञान नहीं है तो फिर अशांति फैलाने वाले 5 भूत आ जाते हैं। इफ दे डोंट हैव नॉलेज द 5 गोस्ट्स दैट स्प्रेड रेस्टलेसनेस एंटर देम। उन भूतों में सभी प्रकार का कीचड़ होता है। देयर इज एवरी काइंड ऑफ डर्ट इन दोस गोस्ट्स। ये भक्ति भी बहुत कीचड़ा है। देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट इन दिस भक्ति टू। ज्ञान तो कस्तूरी है। नॉलेज इज सर्टनली मस्क। सतयुग में कितनी नेचुरल खुशबुएं रहती है। देर आर सो मेनी नेचुरल फ्रेग्रेंसेस इन द गोल्डन एज। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सो द चिल्ड्रन शुड बी वेरी हैप्पी। अभी हम बाप के पास बैठे हैं। थिंकिंग नाउ वी आर सिटिंग नियर द फादर। बाबा कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। बाबा टीचर्स अस दिस वे एवरी साइकिल। ये ड्रामा चलता रहता है। दिस ड्रामा कंटिन्यूस। जो पास हुआ वो फिर रिपीट जरूर होगा। व्हाटएवर पास्ट विल डेफिनेटली रिपीट। इस ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। देयर कांट बी एनी चेंज इन दिस ड्रामा। तो इस समय बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे। रिमेम्बर द फादर एट दिस टाइम सो दैट योर सिंस आर डिस्ट्रॉयड। शुरू शुरू में बच्चों को साक्षात्कार आदि तो बहुत हुए। The children did have many visions etc. in the beginning. परंतु अभी बाप कहते हैं साक्षात्कारों से कोई फायदा नहीं। But now the father says there is no use of these visions etc. वो तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट दिखाई गई है। That is just the aim and object that has been shown. परंतु दैवी गुण भी धारण करने हैं। However, you have to assimilate the divine virtues too. ऐसा लक्ष्मी नारायण मिसल बनना है। यू हैव टू बिकम लाइक सच लक्ष्मी एंड नारायण। बाप बच्चों को समझाती तो बहुत अच्छा है। द फादर डज एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन थरोली। परंतु पत्थर बुद्धि है तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। बट एज दे हैव अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट नथिंग सिट्स इन देयर इंटेलेक्ट। बाप कहते हैं याद से ही पाप कटेंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। द फादर सेज The sins will be destroyed only through remembrance and you will go to heaven. तो वहाँ बहुत सुख शांति महसूस करेंगे। You will experience great happiness and peace there. और ये बातें किसी को सुनावेंगे तो वो भी खुश होंगे। If you tell someone this, he too will become very happy. नौकर चाकर होते हैं उनको भी ये शिक्षा देनी चाहिए। You should also give this knowledge to servants. कि बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। रिमेम्बर द अनलिमिटेड फादर सो योर बोट लाइक बॉडी विल ऑल्सो गो अक्रॉस। तुम पावन बन जाएंगे तो जन्म जन्मांतर की दास्ता से छूट जाएंगे। इफ यू बिकम प्योर यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम सर्विट्यूड फॉर मेनी बर्थ्स। तुम बच्चे जानते हो मैंने एक बार ऐसे पतित से पावन पावन से पतित बने हैं। You children know, we became pure from sinful and sinful from pure like this numerous times. Duniya mein to manushyon ko ye baat bhi nahi maloom hai. The people don't even know that in the world. Isliye koshish kari ki jati hai bade bade aadmiyon ko samjhane ki. This is why we make an attempt to explain this to the important people. Ki kuch to paigham sune. Thinking they should listen to the message at least a little. एक सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। इट इज सेड लिबरेशन इन लाइफ इन अ सेकंड।
और जीवन मुक्ति तो राजा की भी होती है तो प्रजा की भी होती है। एंड द किंग एज वेल एज द सब्जेक्ट्स अटेन लिबरेशन इन लाइफ। बाकी पुरुषार्थ नंबरवार पद पाते हैं। एज फॉर द रेस्ट दे अटेन नंबरवार पोजीशंस बाय मेकिंग पुरुषार्थ। तुम्हारे में ये ज्ञान है। यू हैव दिस नॉलेज। लिखा हुआ है ये ज्ञान रिलीजियो पॉलिटिकल है। इट इज रिटन दिस नॉलेज इज रिलीजियो पॉलिटिकल। वो तो जिस्मानी ज्ञान है। दैट इज द फिजिकल नॉलेज। तुम्हारा तो रूहानी ज्ञान है। योर्स इज सर्टनली द स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जानते हो तुम्हारे इस ज्ञान से राजधानी भी स्थापन होनी है। सो यू नो इवन द कैपिटल इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू योर नॉलेज। तुम माया के युद्ध के मैदान में हो। यू आर इन द बैटल फील्ड ऑफ वॉर अगेंस्ट माया। परंतु इनकॉग्निटो पॉलिटिकल हो। बट यू आर इनकॉग्निटो पॉलिटिकल वॉरियर्स। तुम बाप से विश्व की बादशाही पाते हो। यू रिसीव द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द फादर। तुम्हारा ये राजयोग बहुत मशहूर है। दिस राजयोग ऑफ योर्स इज वेरी फेमस। बाकी तो सभी के पास हठ योग है। एज फॉर द रेस्ट एवरीवन हैज हठ योग। उनों की किताब आदि देखो तो कितना बंडर लगता है। लुक एट देयर बुक्स एटसेट्रा यू विल बी एस्टोनिश्ड। तो उनों का भी अपना धंधा है हठ योग आदि सिखाने का। सो दे ऑल्सो हैव देयर ओन बिजनेस ऑफ टीचिंग हठ योग एटसेट्रा। और उनके फॉलोअर्स तो देखो कितने ढेर के ढेर बन जाते। लुक दे मेक सो मेनी फॉलोअर्स। उन फॉलोअर्स को छोड़ना ही मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लीव देम। अभी उन गुरुओं की जैसे राजा ही है। इट इज एज इफ देयर इज द किंगशिप ऑफ दोज गुरुज नाउ। सो अपनी राजाई वो ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे। दे डेफिनेटली वोंट लीव इट सो इजीली। समय पर अनायास ये सभी खत्म हो जाएगा। ऑल दिस विल सडनली एंड ऑन टाइम। सारी दुनिया कैसे खत्म होगी वो भी तुम देखेंगे। यू विल ऑल्सो सी हाउ द एंटायर वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड। अभी हम योग बल से अपनी आयु बढ़ाते जाते हैं। नाउ वी इंक्रीज अवर लाइफ स्पैन थ्रू योग बल। बाप ने बताया था इन ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होगी। द फादर टोल्ड अस दिस ब्रह्मा विल बी 100 years old। कराची में आयु देखने वाले आते थे। पीपल केम टू प्रेडिक्ट हिज एज इन कराची। सभी कहते थे इनकी आयु 75 वर्ष है। एवरीवन यूज्ड टू से हिज एज इज 75 years। अब ब्रह्मा की आयु तो शास्त्रों में 100 साल गाई हुई है। वेल द एज ऑफ ब्रह्मा इज सेड टू बी 100 years इन द स्क्रिप्चर्स। अगर बढ़े तो बहुत बढ़ जाएगी। इफ इट इंक्रीजेस इट विल इंक्रीज अ लॉट। योग बल से आयु कितनी बड़ी हो जाती है। द लाइफ स्पैन इंक्रीजेस सो मच थ्रू योग बल। और वहाँ तो अकाली मृत्यु किसी की होती भी नहीं है। इन एडिशन नो वन हैज एन अनटाइमली डेथ देयर एट ऑल। ये अकाली मौत तो यहाँ होती है। अनटाइमली डेथ टेक्स प्लेस हियर। यहाँ अकाली मौत होती है तो सूक्ष्म शरीर से काम करना पड़ता है। बिकॉज देयर आर अनटाइमली डेथ्स हियर पीपल हैव टू वर्क थ्रू द सटल बॉडी। बाकी ऐसे नहीं कि आयु भोगनी नहीं पड़ेगी। एज फॉर द रेस्ट इट इजंट दैट दे वोंट हैव टू लिव देयर लाइफ। ये भी जानते हो गरीब और साहूकार के पद में फर्क तो बहुत होता है। यू ऑल्सो नो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द पुअर एंड द रिच। गरीब अच्छी रीत से पुरुषार्थ करते हैं
तो साहूकार बन जाती है। When the poor make पुरुषार्थ nicely, they become rich. तो अभी तुमको बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। So you should make a lot of पुरुषार्थ now. अपना कल्याण करना चाहिए। You should bring your welfare. और यज्ञ की बहुत रुचि से प्यार पूर्वक सर्विस करनी चाहिए। And you should do the service of the यज्ञ with great interest and love. जो काम बहुत रुचि से किया जाता है तो उसका फल जल्दी मिलता है। The fruit of the task performed with great interest is received soon. तो बच्चों को सेवा के लायक बनना है। So, children should become worthy of service. कहते भी हैं मिठुरा घुरत घुराए। It is also said, मिठुरा घुरत घुराए, meaning the more jaggery you add, the sweeter it will become. जो खुद ही डर्टी रहेंगे, उनकी कोई सेवा क्या करेंगे? Those who themselves are dirty, who will do their service? किसकी दिल होगी ऐसों की सेवा करने की? Who will wish to do the service of such ones? जो यज्ञ की बहुत सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा बहुत की जाती है। Those who do a lot of service of the yagya, they are served a lot. बाकी जो disservice करते हैं, तो सेवा का अंश बिल्कुल ही नहीं रहता। As for the rest, those who do disservice, they don't receive even a trace of service. ऐसों की फिर सेवा करने की किसकी दिल होगी? Then, who will wish to do the service of such ones? 29/11/68 की वाणी का तीसरा पेज। Third page of the Vani dated 29/11/68. ये बात भी बुद्धि में ठहरनी चाहिए। This concept should also stay in your intellect. पहचान होनी चाहिए। You should have this recognition. कि बाबा के यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ बच्चे कौन-कौन हैं? Who all are the serviceable children in Baba's yagya? फूलों को देखते रहेंगे तो फूल बन जाएंगे। If you keep looking at the flowers, you will become a flower. और जो कांटे हैं, अशांति फैलाने वाले हैं, उनका तो संग बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। And those who are thorns, who spread restlessness, you should leave their company completely. नहीं तो तुम भी कांटे बन जावेंगे। Otherwise, you will also become a thorn. गैन भी है संग तारे कुसंग बोरे। There is also a saying, संग तारे कुसंग बोरे. It means, good company takes you across and bad company drowns you. बाबा हमेशा कहते हैं, फूल बनना है। बाबा ऑलवेज सेज यू शुड बिकम अ फ्लावर। फूलों का संग करो तो सदैव सुखदाई बने रहेंगे। टेक द कंपनी ऑफ फ्लावर्स देन यू विल ऑलवेज बी जॉय गिविंग। सुख देंगे तो सुखी रहेंगे। इफ यू गिव हैप्पीनेस यू विल स्टे हैप्पी। दुख देंगे तो अंत समय में दुखी होकर के मरेंगे। इफ यू गिव सॉरो यू विल डाई बीइंग सॉरोफुल एट द एंड टाइम। कोई तो ऐसे हैं जो कांटों का ही संग करते हैं। Some are such who just keep the company of thorns. नहीं तो संग उनका कार्य करना चाहिए जो घड़ी घड़ी कहते रहते हैं शिव बाबा को याद करो। Otherwise, you should keep the company of those who say repeatedly, remember Shiv Baba. यहाँ की ही बात है, संग तारे कुसंग बोरे। संग तारे कुसंग बोरे इज अबाउट हियर इटसेल्फ। कहाँ की बात है? इट इज अबाउट विच प्लेस है? अरे यहाँ की बात माने कहाँ की बात? विशाखापट्टनम की। अरे इट इज अबाउट हियर मीन्स वेयर? विशाखापट्टनम है। संगम युग की बात है। संग तारे कुसंग बोरे। संग तारे कुसंग बोरे इज अबाउट द कॉन्फ्लुएंस एज। कांटे झरमुई जगमुई की बातें,
दूसरों की अवगुण की बातें बहुत करते रहते हैं। The thorn-like souls talk wasteful talks and about others' bad traits a lot. ये भी समझ होनी चाहिए कि किसका संग करें और किसका संग न करें। You should also have this wisdom, whose company you should take and whose company you shouldn't. हमेशा सुखदायी फूलों का संग करना है। You should always take the company of the joy-giving flowers. तो यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है? So, just remind each other. Do you remember Shiv Baba? इसमें खुशी भी होती है। You also become happy through it. याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। You should thank the one who reminds you that. पतित पावन शिव बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। Remember Shiv Baba, the purifier of the sinful ones. Then you will become Sato Pradhan from being Tamo Pradhan. Sato Pradhan ban jaayenge, to tumko dekhte hi bahuton ko yaad aayegi. When you become Sato Pradhan, many will remember him just by looking at you. Bahut koshish karni chahiye. You should try a lot. Parantu dekhte hain maya badi prabal hai. However, it is seen that maya is very powerful. तुम बच्चे महारथी हो। You children are great warriors. तो माया भी महारथी होकर लड़ाई लड़ती है। So Maya also becomes a great warrior and fights against you. शिव बाबा कहते हैं जो भी महारथी है उन पर माया की नजर रहती है गिराने के लिए। शिव बाबा says Maya has her eyes upon all the great warriors to make them fall. क्योंकि जानते हो जो पहलवान होते हैं उनसे माया भी बड़ा पहलवान होकर के लड़ती है। बिकॉज यू नो माया फाइट्स विद द रेसलर्स बिकमिंग अ रेसलर हरसेल्फ। गरीब से गरीब होकर के लड़ती है। शी फाइट्स विद द पुअर बिकमिंग पुअर। माया की बड़ी भारी चोट खानी पड़ती। यू हैव टू सफर अ वेरी हैवी ब्लो ऑफ माया। माया ऐसी हर क्षण है जो दीवा बुझाने में देर ही नहीं करती है। माया इज सो पावरफुल दैट शी डजंट टेक टाइम टू पुट ऑफ द लैम्प। 8-10 वर्ष के बाद पुरुषार्थ करते करते फिर काम से हार खा लेते हैं। After 8-10 years, children suffer defeat from the vice of lust while making purusharth. Itna ye kaam vikar balwan hai. This vice of lust is so powerful. Deh abhiman mein aane se jhat vikar muh dikhane ke liye aa jayenge. Vices will show up as soon as you become body conscious. Hatim tai ka khel bhi yahan ka hi hai. The play of Hatim Tai is also of this time. तुम समझते हो? बाप द्वारा हम इतना धनवान बनते हैं। You understand? We become so wealthy through the father. तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। So you should remember such father. कोई भी आवे, पहले पहले यही पैगाम दो। No matter who comes, give them this message first of all. शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा says remember me. गीता में भी कुछ न कुछ ऐसे अक्षर हैं। There are such words in the Gita too. मन मना भव। मन मना भव। ये वास्तव में मन मना भव का महामंत्र है। Actually it is the great mantra, महामंत्र of मन मना भव। अर्थात माया को वशीभूत करने का मंत्र है। इट मीन्स इट इज द मंत्र टू कंट्रोल माया। वहाँ तो सारी प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है। द एंटायर नेचर बिकम्स योर मेड देयर। तो ये बातें भूलनी नहीं है। सो यू शुडंट फॉरगेट दीज थिंग्स। काम काज करते शिव बाबा को याद करना है। यू शुड रिमेम्बर शिव बाबा व्हाइल डूइंग योर वर्क। शिव बाबा को किसके पैसे आज की तो दरकार नहीं है। शिव बाबा डजंट नीड एनीवन्स मनी एटसेट्रा।
बहुत से मनुष्यों को ये ख्याल होगा कि हम पैसे इकट्ठे करें। मेनी ह्यूमन बीइंग्स माइट हैव दिस थॉट वी शुड कलेक्ट मनी। ये तो बेहद का यज्ञ रचा जाता है। दिस इज द अनलिमिटेड यज्ञ दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। और इस यज्ञ को बच्चे ही आपे ही चलाते रहते हैं। इन फैक्ट द चिल्ड्रन कीप मैनेजिंग दिस यज्ञ ऑन देयर ओन। यहाँ से तो कोई को कुछ ले ही नहीं जाना है। नो वन हैज टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हियर मीनिंग दिस वर्ल्ड एट ऑल। जानते हो कि अचानक ही ऐसा खौफनाक वातावरण बनेगा जो सभी के पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। यू नो सच अ हॉरिबल एनवायरनमेंट विल बी क्रिएटेड सडनली दैट एवरीवन्स मनी विल बी बरीड इन सॉइल। सबका दिवाला निकल जाएगा। एवरीवन विल गो बैंकक्रप्ट। बड़े बड़े आदमी होते हैं ना पैसे वाले, कैसे दिवाला मारते हैं। देर आर बिग पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ aren't देर हाउ दे गो बैंकक्रप्ट। तो बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि मुझे दे दो, ऐसे नहीं समझना। सो द फादर डजंट से गिव इट टू मी, डोंट थिंक दैट वे। शिव बाबा तो दाता है, ऐसे कोई भी ना समझे कि हमने दिया। शिव बाबा इज नो डाउट द गिवर, नो वन शुड थिंक वी गेव हिम समथिंग। नहीं नो, ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। These are very deep topics to understand. दिल में आना चाहिए कि हम देते नहीं हैं। You should think within, we don't give him. हम तो 21 जन्मों के लिए ले रहे हैं। In fact, we are taking from him for 21 births. भक्ति मार्ग में वो बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। People give lots of donations, perform noble deeds, etc. in the path of bhakti. समझते हम ईश्वर अर्थ करते हैं। They think we are doing it for God. अगले जन्म में हमको ढेर का ढेर मिल जाएगा। We will receive it in abundance in the next birth. वो तो डायरेक्ट करते हैं यहाँ। Here they do it directly. वहाँ तो इनडायरेक्ट गुरुओं के थ्रू होता है। There they do it indirectly through the gurus. यहाँ तो डायरेक्ट बाप आया हुआ है। Here the father has come directly. डायरेक्ट बाप को करेंगे एक जन्म तो क्या 21 जन्म के लिए भागीदार बन जाएंगे। इफ यू डू डायरेक्टली फॉर द फादर नॉट जस्ट फॉर वन बर्थ यू विल बिकम अ पार्टनर इन द इनहेरिटेंस फॉर 21 बर्थ्स। भक्ति मार्ग में एक जन्म के लिए मिलता है। दे रिसीव अटेनमेंट्स फॉर वन बर्थ इन द पाथ ऑफ भक्ति। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। The father sits and explains all these concepts. जो कुछ लेते हैं कहते हैं मैं तो तुम्हारी सर्विस में लगाता हूँ। No matter what he takes, he says, I bring it in use in your service itself. मैं कोई परमधाम थोड़े ही ले जाऊंगा। I definitely won't take it to the supreme abode. तुम गुलगुल बन जावेंगे फिर हम पैसे का क्या करूंगा। When you become flowers, what will I do with the money? बाप कहते हैं गरीबों को बहुत साहूकार बनाता हूँ। The father says, I make the poor very rich. जो अभी साहूकार हैं, वो पीछे रह जाएंगे। Those who are rich at present will be left behind. आगे चल करके साहूकारों से भी कुछ नहीं लेंगे। In future, he won't take anything from the rich either. कहेंगे अच्छा रखो अपने पास। He will say, अच्छा keep it with you. सर्विस करो। Do service. आगे चल कर के कपड़े पर चित्र भी बन जाएंगे। In future, pictures will also be printed on clothes. जड़ कपड़े पर भी चित्र तैयार होते हैं। चैतन्य कपड़ों पर भी चित्र लक्ष्मी नारायण मिसल तैयार हो जाएंगे। पिक्चर्स आर प्रिंटेड ऑन द फिजिकल क्लोथ्स एज वेल एज पिक्चर्स लाइक लक्ष्मी नारायण विल बी रेडी ऑन द लिविंग क्लोथ्स टू। परंतु अभी देरी है, बाहर वालों में से कोई अच्छा होगा अगर जाग जाए
तो उनका भारत में आवाज हो जावे। However, there is time for it now. If someone among the outsiders is good and he comes to knowledge, he will become famous in Bharat. सभी कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां ऐसी नॉलेज देती हैं। Everyone will say the Brahma Kumaris give such knowledge. जिससे स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। Through which we become the masters of heaven. देखो, ये लक्ष्मी नारायण भी तो स्वर्ग के मालिक हैं ना? Look, these Lakshmi Narayan are also the masters of heaven, aren't they? जब तुम दिखावेंगे तो समझेंगे कि paradise के मालिक कौन हैं? When you show them, people will understand who the masters of paradise are. परंतु पिछाड़ी में पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलेगा। But they won't get time to make purusharth in the end. तुम बच्चों को तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। You children should certainly feel very happy within. कि हम टाइम पर शिव बाबा की सर्विस में उपस्थित हो गए। Thinking we presented ourselves in the service of Shiv Baba on time. शिव बाबा को याद करने से ही हमारे पाप कट जाएंगे। Our sins will be destroyed just by remembering Shiv Baba. शहंशाह की हुंडी की भी कितनी जिक्र होता है, बहुत गायन है। शहंशाह की हुंडी is mentioned a lot. It is very famous. शहंशाह की हुंडी means the promissory note of शहंशाह. और हुंडी भरने वाला तो यहाँ बैठा है ना? And the one who fills up the promissory note is certainly sitting here, isn't he? Drama menude hai. It is recorded in the drama. Kalp kalp tumhari hundi bhari thi. He filled up your promissory note every cycle. Jisse heaven sthapan hua tha. Aur abhi bhi heaven sthapan ho raha hai. Through which heaven was established. And heaven is being established now as well. कोई ख्याल करने की बात नहीं है। There is nothing to think about. पाई पाई कल्प पहले मिसल देते रहते हैं। You continue to give every penny like the previous cycle. तुम्हारी परवरिश होती रहती है। You are nurtured constantly. बाप कहते हैं देते नहीं हैं, ये तो लेते हैं 21 जन्मों के लिए। The father says, you don't give anything. In fact, you take it for 21 births. फिर 21 जन्म खा पी करके खलास कर देंगे। Then you will enjoy it for 21 births and finish it. फिर भक्ति मार्ग में तो कितना उल्टा सुल्टा खर्चा आदि होता रहता है। There is so much of unnecessary expenditure etc. in the path of bhakti. अच्छा, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, रिमेम्बरेंस लव गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते ऑफ बाप दादा टू द चिल्ड्रन। छोटा सा रात्रि क्लास है 28/11/68। देयर इज अ स्मॉल नाइट क्लास डेटेड 28/11/68। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके कितनी खुशी होती है। You feel so happy looking at the picture of these Lakshmi Narayan. बच्चे जानते हैं कि हम भी ये बनने के लिए पढ़ते हैं। Children know, we also study to become that. इस बात को हम दूसरों को समझाए भी सकते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया। We can also explain this to others. How these Lakshmi Narayan received the kingdom? कैसे नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी बने? How they became Narayan from a man and Lakshmi from a woman? ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी कैसे स्थापन हुई? How the Suryavanshi and Chandravanshi capital was established? कब हुई? When it was established? तुम्हारे सिवाय और तो कोई बता ही नहीं सकता। No one except you can tell them that. ये तुम्हारी aim object है। This is your aim and object. तो इनको देख करके खुशी जरूर होनी चाहिए। So you should certainly feel happy after seeing them. सिवाय बेहद के बाप के और कोई भी ऐसा राजयोग सिखाई नहीं सकता।
No one except the unlimited father can teach you such Rajyog. इसमें मेहनत है. There is hard work involved in it. काम महाशत्रु है. Lust is the greatest enemy. इनको जीतने से जगत जीत बनेंगे. You will become the conquerors of the world by gaining victory over it. ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना. These Lakshmi Narayan are the conquerors of the world, aren't they? लक्ष्मी और नारायण दोनों को पवित्र गाया जाता है. Both Lakshmi and Narayan are said to be pure. बाकी राम तो दो कला कम हो जाता है. As for the rest, Ram falls short of two celestial degrees. क्योंकि दो कला दुनिया पुरानी हो जाती है. It is because the world becomes old by two celestial degrees. तो तुम स्टूडेंट्स को ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है. So you students have to become like these Lakshmi Narayan. तुमको बहुत खुशी बढ़ जाएगी. Your happiness will increase a lot. इनको घड़ी घड़ी देखना चाहिए. You should look at them every now and then. और देख देख करके बंदर खाना चाहिए. And you should be surprised looking at them. के पहले पहले हम ही इनकी डायनेस्टी के थे. It is we who belong to their dynasty first of all. फिर पुनर्जन्म लिया. हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है वो समझ करके खुशी होनी चाहिए. Then we had rebirth. How the history repeats, you should understand it and become happy. परंतु माया वो खुशी नहीं आने देती है. But Maya doesn't let you become happy. अगर खुशी बनी रहे तो बाकी क्या चाहिए. If your happiness remains constant, what else do you want? यहाँ तो तुम बच्चे स्वतंत्र हो. You children are definitely independent here. तुमको कोई भी प्रकार की चिंता करने की दरकार नहीं है. You needn't have to have any kind of worry. क्योंकि जो बंधन में होते हैं उनको इतनी खुशी नहीं होती है. It is because those who are in bondage aren't so happy. तुम्हारा तो ईश्वरीय बंधन है. Yours is the ईश्वरीय bondage. तुम्हारा कोई देहधारियों का बंधन तो नहीं है. You certainly don't have any bondage of bodily beings. कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है. You don't have any kind of bondage. तुम्हारे बैज पॉकेट में पड़ा रहने दो. Let your badge be in your pocket. इससे बहुत सर्विस होती है. A great deal of service takes place through it. और तुम्हारी पॉकेट भी बेहद की पॉकेट है बुद्धि रूपी. As a matter of fact, your pocket is the unlimited pocket like intellect. भक्ति मार्ग में भी बाबा पॉकेट में रखते थे. In the path of bhakti too, Baba used to keep it in his pocket. परंतु समय ये पता थोड़े ही था कि हमारी पॉकेट में जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है वो हम बनने वाले हैं. But he definitely didn't know at that time, I am going to become the Lakshmi Narayan whose picture is in my pocket. अब बच्चे समझते हैं आधा कल्प के लिए हम फिकर से फारिग हो जाएंगे. Now the children understand, we will become free from worries for half a cycle. इस समय तो कितना भी करें कोई न कोई चिंता जरूर बनी रहती है. No matter how hard you try at the present time, you certainly have some or the other worry. अभी बाप तो तुमको चिंताओं से मुक्त कर देते. Now the father certainly liberates you from worries. तो अथाह खुशी होनी चाहिए. So you should have immense happiness. बाप तो कहते हैं मेरी सर्विस में रहने वाला बच्चा भूख नहीं मर सकता. The father does say, the child who is engaged in my service can't die of hunger. चाहे दुनिया में कितना भी अकाल दुकाल पड़ता रहे बाबा को तो इन बातों की बहुत ख्याल चलानी पड़ती है. No matter how many famines there are in the world, Baba has to think a lot about it. कोई सेंटर्स पर खिटपिट होती है बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं नाचाकी होती है तो ख्याल चलता है बाबा का. If there are fights at some centers, children fight and quarrel with each other, they don't speak to each other, Baba feels concerned about it.
फिर सोचते हैं ये तो ड्रामा में नूद है। Then he thinks this is fixed in the drama. थोड़ा ही चकना होता है, फिर ड्रामा पर सेट हो जाते हैं। He hesitates a bit, but then he becomes stable on the subject of drama. बाप तो कहते हैं जरा भी मुझे नहीं होनी चाहिए। Well, the father says you shouldn't have even a slight confusion. अगर थोड़ी भी मुझे होती है तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। If you are confused even a bit, it will be said you haven't attained the karmatit stage. कुछ कहा? If you say something. कुछ सुना? If you listen to something. दुख तो जरूर होता है ना? You definitely feel sorrowful, don't you? भल कोई पदमपति हो या कोई भी हो, be it a multimillionaire or anyone, इससे पुरानी दुनिया में दुख तो जरूर देखना पड़ता है। Everyone certainly has to experience sorrow in this old world. तो बाप घड़ी घड़ी नई दुनिया की याद दिलाते हैं। So the father reminds you of the new world every now and then. तुम सदैव नई दुनिया को याद करो, बाप को याद करो, अपने घर को याद करो। Always remember the new world, the father and your home. अभी तुम बच्चे दुखों से उस पार जाते हो। Now you children go across sorrow. ये विषय वैतरणी नदी है ना? This is the river of vices, isn't it? तो तुम उस पार जाते हो। So you go across it. ये भी अभी तुम संगम पर ही सुनते हो। You also listen to this now in the confluence age itself. कि हम छी छी दुनिया से निकल करके नई दुनिया में जाते हैं। We come out of the dirty world and go to the new world. परंतु माया रावण इस बात को भी सहन नहीं कर सकती है। But Maya Ravan can't tolerate this either. सहन नहीं कर पाती है तो कितने बिघन डालती है। She is unable to tolerate it, so she creates so many obstacles. बच्चों को अंदर में आना चाहिए कि अभी तो हम अमरपुरी में जाते हैं। The children should think within, now we go to the abode of immortality. वहाँ हमारे अकाले मौत नहीं होगी। We won't die untimely death there. हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। We will leave our body at our own wish. हमारी मौत हो नहीं सकती। We can't die at all. जितना सर्विस करेंगे उतनी ऊंची स्टेज यहाँ ही बन जाएगी। The more you do service, you will attain a high stage here itself. तुम फील करेंगे हम उच्च पद पाने वाले हैं। You will feel we are going to attain a high position. बच्चे भी कोशिश करते हैं उच्च पद पाने की। Children also try to attain a high position. कोशिश करके जितना हो सके खूब सर्विस करते करते उच्च पद पाने की रेस करनी चाहिए। You should try as much as you can and run a race of attaining high position by doing a lot of service. Service ही नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे बनेगा? If you don't do service at all, how will you attain a high position? ऊंचा पद नहीं पावेंगे तो दास दासी बनते रहेंगे। If you don't attain a high position, you will continue to become servants and maids. समझेंगे कि कल्प कल्पांतर हमारा ऐसा ही पद रहेगा। You will understand, we will have such position in every cycle. तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। So you should make the purushart of attaining a high position. तुमको पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। You will have many visions in the end. ये भी बाबा ने कह दिया है। Baba has also said, कि तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। You will keep having visions, then there will be no use of repenting. कुछ भी कर नहीं सकेंगे। You won't be able to do anything at all. अभी ऐसे मत समझो कि बहुत टाइम पड़ा है। Now don't think a lot of time is left.
देखते हो ना अचानक मौत कैसे आ जाता है। यू सी डोंट यू हाउ पीपल डाई सडनली। एक के बीमार होने से सारा परिवार कितना दुखी हो जाता है। द एंटायर फैमिली बिकम्स सो सोरोफुल इफ वन मेंबर बिकम्स इल। ये है ही दुखदान। दिस इज इन फैक्ट द अबोड ऑफ सोरो। स्टूडेंट लाइफ में जबकि हमारे सामने हम ऑब्जेक्ट है, शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। When we have the aim and object in front of us in the student life and Shiv Baba is teaching us, we should be very happy. बाप खुद कहते हैं कि मुझे याद करो। The father himself says, remember me. काम जीत बनो और जगत जीत बनो। Gain victory over lust and become the conqueror of the world. फिर बाद में तो ये जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना ही नहीं है। Later, you don't have to make the purushartha of becoming victorious over the world at all. बाप आते ही ऐसे समय है जबकि पावन दुनिया स्थापन होकर के पति दुनिया का विनाश होता है। The father does come at such a time when the pure world is established and the sinful world is destroyed. और इस बात को कोई भी नहीं जानते हैं कि हम ऐसा राजयोग सीख रहे हैं। As a matter of fact, no one knows we are learning such Rajyog. अभी तुम तो बहुत गुप्त हो। Now you are certainly very hidden. तो यही एक दो को स्मृति दिलानी है, बाप को याद करो। You have to remind each other saying, remember the father. एक ही सदगुरु द्वारा सबको जीवन मुक्ति मिल जाती है। Everyone receives liberation in life through one Sadguru alone. किसको थोड़ा भी यही समझाना है, बाप पतित पावन है, उनको याद करने से तुम सत्व प्रधान बन जाओगे। You should explain this a little to everyone. The father is the purifier of the sinful ones. You will become सत्व प्रधान by remembering him. अथवा तो स्वर्ग में चले जाओगे। And go to heaven. बहुत सहज बातें बताते हैं। He tells you very easy topics. समझाते हैं। He explains कि माला का नंबर वन दाना कैसे बन सकते हैं। How you can become the number one bead of the rosary. ये तो जानते हैं, बनने तो नंबर बार ही है। He does know. Everyone certainly has to become that number wise. तो जब ऐसे दैवी गुणवान बनेंगे तो तुम बहुत अच्छा स्कॉलरशिप पाए सकेंगे। सो व्हेन यू बिकम डिवाइन एंड वर्चुअस लाइक दिस यू विल बी एबल टू अचीव अ वेरी गुड स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप कोई कम बात नहीं है, विश्व का मालिक बनना होता है। एंड स्कॉलरशिप इजंट अ स्मॉल थिंग, इट इज टू बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। और विश्व का मालिक बेहद का बाप ही आकर के बनाते हैं। एंड द अनलिमिटेड फादर हिमसेल्फ कम्स एंड मेक्स यू द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तुमको और क्या चाहिए? एज फॉर द रेस्ट व्हाट एल्स डू यू नीड। रावण भी कम नहीं है। रावण इज नो लेस। ये माया रावण घसीट करके एकदम पट्टे में गिराई देता है। दिस माया रावण ड्रैग्स यू एंड मेक्स यू फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड कम्प्लीटली। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया बड़ा तंग करती है। माया ट्रबल्स इवन द वेरी गुड चिल्ड्रन अ लॉट। होता तो ड्रामा अनुसार है। इट डज हैपन अकॉर्डिंग टू द ड्रामा। बच्चे सुधरते जाएंगे। चिल्ड्रन विल कंटिन्यू टू रिफॉर्म। कहेंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हो रहा है। इट विल बी सेड इट इज हैपनिंग नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ। इसलिए बाबा याद प्यार भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही देते हैं। This is why Baba also gives remembrance and love number wise according to the purushartha itself. बाप की बुद्धि तो serviceable बच्चों में क्या तरफ जाती है। The father's intellect goes towards the serviceable children. जो आज्ञाकारी बच्चे ही नहीं है, अवज्ञा ही करते रहते हैं। Those who aren't obedient children at all, who just keep disobeying,
नाफरमानी कर देते हैं, हु बिकम नॉन कम्प्लायंट, उनको क्या प्यार करेंगे? हाउ विल ही लव देम? बाप तो जानते हैं कि कौन कौन बच्चे अच्छे सर्विसेबल हैं। द फादर डज नो हु आर द गुड सर्विसेबल चिल्ड्रन। अच्छी सर्विस करने वाले हैं तो बाप का उन पर बहुत प्यार जाता है। इफ दे आर दोज हु डू गुड सर्विस द फादर लव्स देम वेरी मच। अच्छा, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, गुड नाइट एंड नमस्ते।